हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम कॉल बैक वैल्यू पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो हम पैरामीटर पास कराते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि हमारे इन वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज पास होती हैं। और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हम जो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे होते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। यहाँ पे ए में जो वैल्यू थी वो यहाँ इस ए में जाके रिसीव हो गई, जो बी में वैल्यू थी वो यहाँ बी में जाके रिसीव हो गई। आप चाहें तो यहाँ ए और बी की जगह कोई और नाम भी दे सकते हैं। यहाँ ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं फंक्शन के अंदर ए एंड बी, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और इनमें हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू है। अब आप फंक्शन के अंदर इनमें जो भी चेंजेस करेंगे वो केवल फंक्शन में ही रिफ्लेक्ट होंगे, फंक्शन के बाहर इन वेरिएबल में किया गया कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ए की वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर दिया है और यही काम मैंने बी के साथ किया है। यहाँ अब हम उस नई वैल्यू को एक मैसेज के साथ प्रिंट करा रहे हैं। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो हमें स्क्रीन पे मिलना चाहिए इनसाइड फंक्शन ए, जो आप वैल्यू पास करा रहे हैं 100, उसमें 10 ऐड होके 110। सेकेंड लाइन में इनसाइड फंक्शन बी इज 210। इसके बाद आप अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग के बाद मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट और लिखी है, सी आउट आफ्टर फंक्शन कॉलिंग ए इज, यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और इसी तरीके से बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल उठ के फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा और ए और बी की वैल्यू में 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे 110 एंड 210 मिलेगा। पर फंक्शन के बाहर आके आपको लगेगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि ए की वैल्यू को हम 10 से इंक्रीज कर चुके हैं तो यहाँ पे भी मुझे 110 मिलना चाहिए और बी की वैल्यू में 110। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप जो भी चेंज करते हैं वो फंक्शन की बॉडी के खत्म होने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फंक्शन के बाहर ये कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता। यहाँ पे फंक्शन के बाहर ए की वैल्यू अभी भी 100 ही है और बी की वैल्यू भी 200 ही रहेगी। सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। रन किया, यहाँ आप देखेंगे इनसाइड फंक्शन ए इज 110, इनसाइड फंक्शन बी इज 210। फंक्शन के अंदर हमने ए और बी वेरिएबल में जो भी चेंजेस किए वो ये रहे, पर फंक्शन के बाहर आके अब अगर मैं फिर से ए की और बी की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ तो आप देखेंगे वो अभी भी 100 और 200 ही है। इस तरीके को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास होती है। इन एक्चुअल पैरामीटर्स में हम फंक्शन के अंदर जो भी चेंज करते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसका स्कोप केवल उस फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।